कक्षा का 12.2 का छठा प्रश्न 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त कर्णों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाइप की वैल्यू हम यहाँ पे 3.14 और अंडरूट 3 की वैल्यू 1.73 का प्रयोग करेंगे। प्रश्न में क्या दिया है, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों त्रिज्या खंड क्या होता है, इसकी परिभाषा बता दें। त्रिज्या खंड दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र होता है। देखिए जहाँ पे मेरा पेन चाहिए, त्रिज्या खंड होता है और वृत्त खंड होता है मेरा, यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन बनी इस क्षेत्र को हम वृत्त खंड बोलेंगे। लेकिन हमें त्रिज्या खंड का निकालना है, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का निकालना होगा। वृत्त की त्रिज्या जो दी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर दी है और कोण जो केंद्र पर बना है वो 60 डिग्री। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू प्रश्न अनुसार दी है 3.14 और आर स्क्वेयर, तो ये 3.14 गुणा 225 जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 706.5 है। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है। अब दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड क्या बताया मैंने आपको, दो त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है उसको त्रिज्या खंड बोलते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर रेडियस 15 × 15 × 60, ये थीटा ले लिया है। अब इससे मेरा ये कट हो गया 6 × 6 = 36 और 2 से कट जाएगा ये 1.57, 2 ये हो गया 3 × 3 = 3, 5 × 6 = 15 और 1.57 × 5 × 1.5 × 15। अब जब हम आपस में इन चीज़ों को 15 × 5 = 75 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आएगा 117.4 सेंटीमीटर, ये मेरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया है मेरा। अब हम क्या निकालेंगे, हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन से, मेरा ए ओ सी का, इसका निकालेंगे। तो त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है मेरा, 1/2 आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा। तो 1/2 आर 15 × 15 थीटा, यहाँ पे मेरा 60 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, 1/2 15 × 15 और √3 की वैल्यू प्रश्न के हिसाब से मैंने जो बुक में दी है 1.73 ली है और 1.2 × 225 15 × 15 = 225 1.73 और इस 2 को इस 2 से आपस में मल्टीप्लाई किया तो 225 × 1.7/4। जब मैं इस चीज़ों को आप बच्चे खुद रफ काम में सोल्व करके देखिए, टारगेट आप 225 को गुणा करेंगे 1.73 से और भाग 4 तो मेरी ये चीज़ आ जाएगी आपकी 97.3125। अब हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल ये आ गया है पूरे का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये आ गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड क्या है मेरा, ये है लघु वृत्त खंड ए बी सी इस तरह से, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा मेरा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया होता है इसमें से हम माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वो मेरा लघु वृत्त का आ जाएगा। अब देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है मेरे पास, 117.75 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है मेरा, 97.3125। अब इसको माइनस करेंगे हम 117.75 माइनस 97.3125। अब यहाँ पे मैं 0 0 लगा लूँगा, यहाँ पे 4 रहा, यहाँ पे 10 बन गए, 10 में से यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे 10 बन गए, यहाँ पे 9 रह गए तो 10 में से 5 गए, 5 9 में से 2 गए, 7 4 में से 1 गए, 3 7 में से 3 गए, 4 7 में से 7 गए, 0 11 में से 9 गए 2, तो ये आ गया मेरा 20
4375 ये आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, दीर्घ वृत्तखंड जो होता है मेरा इस तरह से आएगा, लघु वृत्तखंड ABC इस तरह से आएगा, दीर्घ वृत्तखंड इस तरह से। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल मेरा ये चीज आई है, वैल्यू पर भर रहा हूँ मैं 706.50 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस 20.4375, तो इसको माइनस कीजिए। रफ काम आप देख सकते हैं, ये रफ काम मैं करवा रहा हूँ, देखिए 706.50 माइनस 20.4375। अब ये जीरो जीरो दस में से पाँच चले गए, पाँच यहाँ पे नौ रहे हैं, नौ सात दो, यहाँ पे पाँच, यहाँ पे दस बने थे, यहाँ पे भी यहाँ पे दस बने, यहाँ से एक ले लिया, सॉरी थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, ये पाँच है, यहाँ पे पाँच ले लिया, यहाँ पे दस बने, यहाँ पे दस बने, यहाँ पे नौ रह गए, तो यहाँ पे दस में से पाँच चले गए पाँच, यहाँ पे नौ में से सात चले गए दो, और नौ में से तीन चले गए छः, यहाँ पे चार है, चार में से चार चले गए जीरो, छः में से जीरो चले गए जीरो, दस में से दो चले गए आठ, ये 680.25। अब देखते हैं छः में से छः चले गए जीरो, 686.065 ये आपका आंसर आया है दोस्तों। तो यही मेरे प्रश्न का हल है। धन्यवाद।